तो आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अच्छी खासी वैकेंसी जो निकल कर आई थी, 1137 वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 01/2020 की जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप घर बैठे अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जैसा कि आपको पता होगा बहुत अच्छी वैकेंसी थी, यहाँ पर 10वीं 12वीं के साथ आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए और डिग्री के लिए वैकेंसी आई थी, सभी के लिए वैकेंसी निकलकर आई थी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शो होगा। तो चलिए यहां पर नीचे आएंगे और सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च 2020 से स्टार्ट हो चुका और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 17 अप्रैल 2020 तक इसका लास्ट डेट है। इसके पहले ही अप्लाई कर लेना है और इसके बाद यहां पर आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, जो कि मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। चलिए यहां पर नीचे आना है और नीचे आप आएंगे सबसे नीचे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फिलअप करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फीस पेमेंट करना है। थर्ड स्टेप जो आपको प्रिंट यहां पर डाउनलोड कर लेना है। ये तीन स्टेप सिंपली है। तो चलिए एक एक स्टेप बात करेंगे कैसे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन जो है इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए एक एक डिटेल फिलअप कर लेते हैं, कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने ओपन हो गया। चलिए एक एक डिटेल आपको फिलअप करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं आपको जो डिटेल फिलअप करना है, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये एप्लीकेशन खुद से भर रहे हैं या साइबर कैफे द्वारा। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर यस करेंगे, अगर साइबर कैफे द्वारा अप्लाई करा रहे हैं तो वहां पर नो करना है। चलिए यहां पर मैं खुद से अप्लाई कर रहा हूं तो यस कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पोस्ट सिलेक्ट करना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर क्लिक करेंगे आपको सारे पोस्ट का नेम आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं यहां पर पोस्ट के अप्लाई करने के पहले जाकर इसका नोटिफिकेशन आप रीड कर लीजिए कि किस पोस्ट के लिए आप इलिजिबल है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पोस्टें हैं और बहुत सारे यहां पर क्वालिफिकेशन रखे गए। जैसे यहां पर वैकेंसी जो है 10वीं पास 12वीं पास आईटीआई डिप्लोमा डिग्री और बीई बीटेक के लिए, सभी के लिए यहां पर वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसलिए आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी है आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके पास रिलेटेड जो एक्सपीरियंस से या जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो वो है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको वहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया, कौन बिना एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं जो अप्लाई कर रहा हूं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सभी का प्रोसेस सेम है, एक ही तरह से अप्लाई होगा, लेकिन मैं यहां पर डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा हूं। फीटर इंस्ट्रक्शन थ्योरी के लिए यहां पर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं कैटेगरी नंबर 39 के लिए, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पर सिंपली आपको अपना नेम इंटर कर लेना है, कैपिटल लेटर में देख सकते हैं, ब्लॉक लेटर में आपको अपना नेम इंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम इंटर करना है, ये भी कैपिटल लेटर में होगा। इसके बाद आपको अपने मदर्स का नेम यहां पर इंटर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर इंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहां पर बताया गया, सबसे पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, ईयर होगा, देख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना, मैरिड है या अनमैरिड है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर दोस्तों आप नीचे जब आएंगे तो यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसको आपको रीड करना है। जैसे पहला ऑप्शन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो यहां पर वर्किंग करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अगर करते हैं तो यहां पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। इसी प्रकार ये सब ऑप्शन है, इनसे अगर आप रिलेट करते हैं तो यस करना है, नहीं तो सिंपली जनरल साधारण कैंडिडेट के लिए, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहां पर इन सब पे नो ही करना है, लेकिन आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर रिलेट करते हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर आना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो आपसे
पूछा जा रहा है हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन मतलब टेंथ में, टेंथ में आपके पास हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको यस करना है, यहाँ पर नो का भी ऑप्शन है, लेकिन आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे चेक कर लीजिए कि वहाँ पर क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यस करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्क करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो इसे भी नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर वहाँ के निवासी हैं डोमिसाइल हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो सिंपली नो कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है कभी हरियाणा जो है SSC का फॉर्म फिलअप किए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर बताया गया आपको 03/2019 और यहाँ पर 7/2016, इसमें से दोनों में से कोई अप्लीकेशन फिलअप किए हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आपको नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड में, तो सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो जो डिटेल आपने फिलअप किया वो डिटेल शो होगा, बाकी उसके अलावा यहाँ पर कुछ डिटेल आपको न्यू देने हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज कर लेना अपना जेंडर, जो भी आपका जेंडर है इस पर क्लिक करेंगे, मेल या फीमेल आपको चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन अपना जो है इंटर कर लेना है, नेशनलिटी आपको यहाँ पर इंडियन फिलअप कर लेना है। तो चलिए सारा डिटेल फिलअप करके दिखा देता हूँ। सकते हैं यहाँ पर मैंने नेशनलिटी इंडियन इंटर कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको मैरिटियल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मैरिड या अनमैरिड यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो वो सिंपली यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, उनका एक ही ऑप्शन आएगा जनरल सेलेक्ट कर लेना। बाकी जो हरियाणा के कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पर वो अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसा कि बताया अलग अलग पोस्टों के लिए यहां पर अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी कुछ यहां पर फ्रेशर के लिए भी है। तो चलिए यहां पर इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो आपने अप्रेंटिस किया होना चाहिए या आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहां पर सिंपली आपको यस करना है, एक्सपीरियंस आपके पास होना कंपलसरी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए यहां पर सिंपली मैं यहां पर यस कर लेता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहां पर जो आप दूसरा ऑप्शन है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है आपके पास क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का कोर्स का कोई सर्टिफिकेट है जो NCVT द्वारा इशू किया गया है, तो अगर यहां पर है तो यस कर सकते, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर है तो आपको यहां पर प्रिफरेंस मिलेगा, मतलब कि आपको यहां पर छूट दी जाएगी। तो यहां पर मेरे पास नहीं है तो यहां पर मैं नो कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहां पर अपना आधार नंबर इंटर कर लेना 12 डिजिट का, और इसके बाद आपको यहां पर क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। क्वालिफिकेशन बहुत केयरफुली आपको इंटर कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो डिटेल क्वालिफिकेशन का है मैट्रिकुलेशन टेंथ का डिटेल है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आप पासिंग है। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट का डेट आपको इंटर कर लेना है, जब आपका रिजल्ट आया था आपके मार्कशीट पर पढ़ा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बोर्ड का नेम यहाँ पर इंटर कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, हाई स्कूल पास किया जैसे UP बोर्ड से। इसके बाद दोस्तों आपको टोटल कितना आपने मार्क स्कोर किया है, आप 10 मार्क इंटर करना है, और कितने नंबर का आपका पेपर था टोटल मार्क आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद सेम दोस्तों अगर आपने 12th कर रखा है तो यहां पर 12th का डिटेल सेम इसी तरह देना है। यहां पर देख सकते हैं आपको सीनियर सेकेंडरी 10+2 सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग और रिजल्ट का डेट, बोर्ड का नेम और कितना आपने स्कोर किया है, टोटल मार्क आपको इंटर कर लेना है। सेम इसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं आप अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया, तो यहां पर इस पोस्ट के लिए आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब BE BTech होना चाहिए, तो आप दोनों में से कोई है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BE BTech तो यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका ट्रेड है। इसके अलावा अगर आपके पास BE BTech नहीं डिप्लोमा है तो यहां पर नीचे वाले ऑप्शन में आप आकर डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहां पर मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद सिंपली आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है और रिजल्ट का डेट यहां पर सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नेम आपको यहां पर इंटर कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है जैसे UPBT या जो भी। यहां पर आपको आप 10 मार्क कितना नंबर आपने प्राप्त किया है, इसके बाद इसके साइड में यहां पर टोटल मार्क आपको इंटर कर लेना है। इतना डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है, यहां पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस डिटेल है। अगर आपके पास यहां पर जो एक्सपीरियंस है कोई एक्सपीरियंस है उसका डिटेल आपको दे देना है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है। तो यहां पर मेरे पास 1 ईयर का अप्रेंटिस है तो यहां पर उसका डिटेल आपको दे देना है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे, आपको एड्रेस डिटेल देना है। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको यहां पर परमानेंट एड्रेस कंप्लीट अपना फिलअप करना है,
इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में बता दूं दोस्तों यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं आएगा, यहाँ पर केवल देख सकते हैं आपको हरियाणा से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर शो होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट कर लेना है, अदर स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पिन कोड इंटर कर लेना है और एक मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी दे देना है। इसके बाद आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। साइट का डिटेल अपने आप फिलअप हो जाएगा, ये वाला डिटेल देख सकते हैं अपने आप फिलअप हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप नीचे आएंगे, ये डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शो हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन कुछ मिलेगा, इसको रीड कर लेना है। आप जो भी इसका शर्तें हैं यहाँ पर आपको रीड करना है और नीचे आएंगे कैप्चा कोड मिल रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करके सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं प्रोसीड पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं आपका पोस्ट का नेम यहाँ पर शो होगा और बाकी आपका डिटेल्स होगा। इसके अलावा आपका पासवर्ड भी आपको एक दिया जाएगा, पासवर्ड शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको फीस का अमाउंट शो होगा, देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस रखी गई है। तो यहाँ पर 150 रुपये इस पोस्ट के लिए रखा गया जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए अलग फीस होगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आप देख सकते हैं आपको इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन मिला, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फीस पेमेंट का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा और यहाँ पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना इंटर करना है जो अभी आपको मिला था और पासवर्ड भी आपको जो अभी मिला था इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही अपना डिटेल इंटर करके आप लॉग इन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपका डिटेल यहाँ पर शो होगा, जैसे आपका पोस्ट नेम और बाकी डिटेल जो है, यहाँ पर फिर नीचे आएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एनेक्जियर E1। तो दोस्तों एनेक्जियर E1 जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर हरियाणा SSC का जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर एनेक्जियर E1 जो अंडरटेकिंग का डॉक्यूमेंट होता है वो भी देना होता है। तो जो डेट पे आप साइन किए हैं उस डेट को यहाँ पर मेंशन कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर डेट एक लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पर जो मिल रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और क्या उनका यहाँ पर साइज होगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो जो होगा इसका फॉर्मेट JPG में होगा और यहाँ पर जो साइज होगा 20 KB से कम होगा और यहाँ पर 9 KB से ज़्यादा होगा, मतलब 9 KB से 20 KB के बीच में आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पर सिंपली आप चूज पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर पर क्लिक करके चूज करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर देंगे, आपका फोटोग्राफ अपलोड होकर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो सिग्नेचर जो यहाँ पर मैक्सिमम उसका 20 KB होगा, मतलब 20 KB से आपको कम में सिग्नेचर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर चूज करके अपलोड करेंगे, यहां पर आपका सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहां पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहां पर आपको अपलोड करना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब है जैसे अगर आपने यहां पर 12th कर रखा तो 12th का, और बाकी अगर आपने बी यहां पर ग्रेजुएशन कर रखा तो ग्रेजुएशन का यहां पर अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट यहां पर बताया गया। तो दोस्तों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में आपको 500 KB से कम में आपको अपलोड कर देना है। देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके यहां पर चूज करके अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका यहां पर अपलोड हो जाएगा और एक ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू व्यू डॉक्यूमेंट का, यहां से देख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है यहां पर सर्टिफिकेट, आपको वेटेज का यहां पर सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको हरियाणा का है तो उसका अपलोड करना है यहां पर, दे सकते हैं तो अपलोड करना है। यहां पर जो हरियाणा कैंडिडेट है यस किए होंगे तो उनको कंपलसरी है, बाकी कैंडिडेट के लिए यहां पर कंपलसरी नहीं, यहां पर स्टार भी नहीं लगाए तो है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो यहां पर नहीं अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहां पर देख सकते हैं आपको बताएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन का और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जिसके बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहां पर जो मैं फॉर्म अप्लाई किया हूं ये डिप्लोमा कैंडिडेट या BE/BTEC के लिए, तो यहां पर अगर डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा का यहां पर जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है इसको अपलोड करना है, पर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके साथ में अगर हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई तो उसका भी अपलोड करना है, साथ में यहां पर एक्सपीरियंस जो आपने डिटेल दिया है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। सभी को एक PDF में ऐड करना है, 500 KB के अंदर में आपको
अपलोड कर देना है। यहाँ पर चूज करेंगे, अपलोड कर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। इतना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड सिंपली आपको मिल रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको फीस पेमेंट करना है, फीस अभी पेंडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं फीस पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको फिर से ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फीस पेमेंट का, फिर से आपको इसी पे क्लिक करना है। और आपके सामने देख सकते हैं फिर से लॉगिन का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपका डिटेल शो होगा, फोटो सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। यहाँ पर सभी डिटेल को आपको चेक करना है, इसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट अभी पेंडिंग शो हो रहा है, अभी आपको पेमेंट करना बाकी है। और सभी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं आपका शो हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट भी यहां पर आपका शो हो रहा है। इस पर क्लिक टू करके आप चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट का और फीस पेमेंट का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट के लिए, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको ओके कर लेना है, इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फीस पेमेंट के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा पेज आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आप आएंगे तो आपको फीस पेमेंट का यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना होगा, नेट बैंकिंग या फीस का चालान के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन करूंगा तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो बैंक का नेम चूज कर लेना है, जो भी आप बैंक से पेमेंट करने वाले हैं। यहां पर मैं देख सकते हैं स्टेट बैंक चूज कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपको अमाउंट शो हो रहा है जितना आपको पेमेंट करना है, अलग अलग कैंडिडेट के लिए, अलग अलग यहां पर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस रखा गया है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपको अपना ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर इंटर करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको फीस की डिटेल्स होगी और सभी डिटेल को चेक कर लेना है, यहाँ पर फीस अमाउंट भी चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिला है, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको ओके कर लेना है, यहाँ पर फिर से आपको ओके कर लेना है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपको पेमेंट कैसे करना है यहाँ पर, जब पेमेंट की वेबसाइट पर आपको भेज दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप किसी भी माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेबिट कार्ड से करूँगा, अगर SBI का तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदर बैंक का है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का पेज आएगा, इसको एक बार वेरीफाई करना है। नीचे आकर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको दोबारा कंफर्म करना है। और इसके बाद यहां पर आपको डेबिट कार्ड का डिटेल इंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए यहां पर सिंपली फीस पेमेंट का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप एक एक करके वीडियो को देखते रहेंगे आपको पता चल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपना कार्ड नंबर इंटर कर लेना है, इसके बाद एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर का नेम इंटर करना है, CVV कोड इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करके आप नीचे पे पर क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। OTP आप इंटर करेंगे और आपका पेमेंट यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर रिटर्न में जाना है होम पेज पर, वहां से आप जाकर डायरेक्ट अपना प्रिंटआउट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं आप, थर्ड नंबर का था, यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका पेमेंट यहाँ पर कट गया और सक्सेस नहीं होता तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस जाकर आप चेक कर सकते हैं और वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए प्रिंट आउट कैसे डाउनलोड करना है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार बड़े आसानी से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर इसका नोटिफिकेशन वाला वीडियो आपको चाहिए, आपको लगता है जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।